एज अ डिजाइनर हम टेक्सटाइल एंड डिजिटल प्रिंटिंग में जब हम वर्क करते हैं एज ए फ्रीलांसर या तो हम कहीं पर जॉब कर रहे हैं कोई कंपनी में, उस टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट होते हैं एक डिजाइनर का उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग आज का टॉपिक होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉपी डिजाइनिंग विथ कलर मैच। कलर मैचिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सेम कलर को मैच करना, एंड इट्स अ वेरी वेरी एडवांस लेवल ऑफ क्लास, ये बिगिनर्स के लिए नहीं है बेसिकली। अगर आप बिगिनर हो तो आप डेफिनेटली क्लोज देख सकते हो क्लास करिकुलम को, बट जो ऑलरेडी डिजाइनिंग फील्ड में जॉब कर रहे हैं कहीं पे वर्क कर रहे हैं या तो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को बहुत डिटेल में आप अच्छे से देखिएगा, मे बी सारा ट्यूटोरियल थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बिकॉज उसमें मैंने बहुत सारा चीज़ें एक साथ मैं कवरअप करके बताऊंगा ताकि आपको प्रॉपरली क्लियरिटी मिले, एंड दैट्स रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। एंड इट इज मैंने एक्चुअली हमारा जो स्टूडेंट्स का क्लासेज जो हमारा इनर सर्कल क्लास जिसमें हमने अपना स्टूडेंट को ट्रेनिंग देते हैं प्रॉपरली लाइव क्लास का शुरू एंड साथ साथ में ट्यूटोरियल का शुरू, उसका कुछ पार्ट आपको मैं शेयर करने वाला हूँ दैट रियली रियली इंपैक्टफुल। एंड इस पर्टिकुलर क्लास को अगर अच्छे से आप देख ले, मे बी शायद 20-30 मिनट अच्छे से अगर आप यूटिलाइज कर ले तो विद इन फ्यू मंथ आपका सैलरी बढ़ सकता है, सैलरी इवन डबल हो सकता है बिकॉज पास्ट मेरा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, 10 साल का एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा मेरा बहुत सारा फ्रेंड्स सर्कल में है जो कि सिर्फ कोई कंपनी में जॉब करते हैं 60-80,000 का सैलरी लेते हैं ओनली एंड ओनली द वन स्किल, सेम कलर मैचिंग करना। यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कि डिजाइनिंग फील्ड में हमें कोई भी फैब्रिक दे, कोई क्लाइंट हमें उस पर्टिकुलर फैब्रिक के अकॉर्डिंग सेम टू सेम कलर को मैच करना, या तो कोई भी एक सैंपल दिया जाए या तो कोई भी एक पर्टिकुलर फोटो के अकॉर्डिंग सेम टू सेम फैब्रिक टू कलर को मैच करके हमें देना, कलर मैचिंग इन द सेंस सेम टू सेम कलर को मैच करना, दैट इज अ रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। वो आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेशन में आपको मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। इस पूरा सेशन का उद्देश्य रहेगा कि आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देना, एक प्रॉपर डायरेक्शन देना, इस प्रॉपर डायरेक्शन को अच्छे से सीखेगा समझेगा एंड अपने लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेगा, एंड वीडियो डेफिनेटली अच्छा लगेगा, एक बार लाइक आप जरूर दे दीजिएगा। एंड जो फ्रेंड्स आपका इस तरीके से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं प्लीज आप उनको शेयर करेगा बिकॉज मेरा अल्टीमेट गोल है गाइस कि आप सभी दोस्तों को कुछ अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट देना ताकि आपका डिजाइनिंग लाइफ में, डिजाइनिंग जर्नी में आपको एक प्रॉपर तरीका, प्रॉपर प्रोसेस मिले, जो कि मुझे डिजाइनिंग फील्ड में कोई हेल्प करने वाला नहीं था, दैट्स व्हाई इस पर्टिकुलर सेशन को मैं आपको करके दिखा रहा हूं, एंड दैट्स व्हाई हमारा कम्युनिटी बिल्डिंग है, दैट्स व्हाई मैं आप कोर्स करिकुलम बनाया आप सभी दोस्तों को हेल्प करने के लिए। प्लीज़ प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा किसी भी फ्रेंड्स को जो कि शायद उनको इस तरीके का वीडियो को मिलने के बाद उनका पी स्किल बढ़े, उनका सैलरी इंक्रीमेंट हो, उनको हेल्प हो जाए। ओके सो लेट्स जंप टू आवर ट्यूटोरियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आज का टॉपिक का हमारा जो कि इंपॉर्टेंस है कलर मैचिंग का, इसीलिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग किया है पैंटोन से। पैंटोन एक सिंपल एक कलर चार्ट होते हैं। कलर चार्ट मतलब होते हैं कि एक पैंटोन एक एक्चुअल बेसिकली कंपनी है, कलर कंपनी है जो ईच एंड एवरी ईयर कुछ ना कुछ नया कलर चार्ट, कुछ ना कुछ तरीके से कलर पैलेट नया नया बनाते हैं एंड उसके रिगार्डिंग उनका एक पोर्टफोलियो लॉन्च होते हैं। अब उसी का एक चार्ट हम जो कि एज ए डिजाइनर हम लोग यूज करते हैं, एंड इस में आपको अपना फोल्डर में शेयर किया हुआ जो हमारा कलर कॉम्बिनेशन का फोल्डर है, लेट मी शेयर ये भी, इसलिए मैं आपको इसे शेयर करता हूँ बिकॉज मे बी सर आपने अच्छे से नहीं देखे होंगे, मे बी सर आपने मिस किया हुआ, दैट्स व्हाई मैं आपको ईच एंड एवरी पार्ट आपको शेयर करता हूँ। एंड जो स्टूडेंट्स हमारे पर्टिकुलर डिजाइनिंग फील्ड में ज्वाइन किया हमारा कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ है बट अपने अभी तक 90 चैलेंज को ज्वाइन नहीं किया तो आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, दैट्स रियली हाई इंपैक्ट कोर्स करिकुलम जिसमें आपको कलर सपोर्ट डिजाइनिंग में जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा डाउनलोड लिंक में आपको यहाँ पे जाने के बाद ही आपको प्रॉपर लिंक मिल जाएगा जिसमें कॉपी वर्क का टोटली आपको डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट मिलता है। कलर मैचिंग के रिलेटेड भी एक प्रॉपरली फोल्डर्स आपको मैंने शेयर किया जिस फोल्डर्स में आपको वैरायटीज ऑफ एग्जांपल दिया गया, साथ साथ में आपको वैरायटीज ऑफ डिजाइनिंग का टास्क अपॉन दिया, साथ साथ में कोई भी डिजाइनिंग को बनाने का जो प्रोसेस मैंने आपको करके दिखा डेमोस्ट्रेट में वो फाइल भी आपको मैंने शेयर किया, आपको एग्जैक्टली समझ में आए कि कैसे मैं कर रहा हूँ, कैसे आप कर सकते हैं, क्या क्या मैंने लेयर फाइल लिया, क्या क्या मैंने एडजस्टमेंट लिया, किस तरीके से कलर को डोमिनेट करते, किस तरीके से कलर को मैनिपुलेट करते, क्या क्या टूल्स को हम प्रॉपरली यूज करते हैं तो एक पर्टिकुलर डिजाइन में सेम कलर को मैच करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। वो सारा टेक्निक हम इस पर्टिकुलर पूरा सेशन में सिखा हुआ है, उसी को आपको अच्छे से देखना रहेगा। इस पर्टिकुलर जो लाइव सेशन से हम इसमें सिर्फ आपको जस्ट कुछ आपको बेसिक एंड फंडामेंटल शेयर करने की कोशिश करूंगा, जस्ट आपको एक बार पूरा रिवाइज कर दूंगा तो आपको जस्ट आइडिया मिल जाए, देन उसके अकॉर्डिंग आप आगे इजिली गो थ्रू कर पाए। ओके सो लेट्स जंप टू आवर मेन टॉपिक जो कि आज का टॉपिक में हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे आपको उन्होंने बताया कि हमारा हैकाथॉन क्लास में हमने अभी तक कॉपी डिजाइनिंग एंड न्यू क्रिएशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे आज का टॉपिक में, तो हम कॉपी डिजाइनिंग को तो आपको ऑलरेडी मैंने पास्ट सेशन में आपको हमारे लाइव सेशन में बताया था, अभी कॉपी डिजाइनिंग के साथ कलर मैचिंग का प्रोसेस बताया, साथ साथ में उसका थोड़ा सा डेप्थ ऑफ नॉलेज देंगे, तो नेक्स्ट सेशन में हम क्रिएशन
एंड साथ साथ में कलर मैचिंग, न्यू कलर कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके तो यहाँ पे आ जाता हमने फोटोशॉप में। तो फोटोशॉप फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा आपको बताया, एक पैंटोन साथ है। पैंटोन्स का बहुत ज्यादा यूजेस होते हैं जब भी हमें कोई भी एक डिजाइन को सेम टू सेम कलर मैचिंग कॉपी करना होता है, कॉपी करना है एंड सेम टू सेम कलर को मैच करने के लिए। जैसे मान लेते कोई भी एक डिजाइन को पहले मैं ओपन करता हूं ताकि जस्ट आपको एग्जैक्टली समझ में आए कि कैसे एक्चुअल में होता है। ओके अब सवाल ये आते हैं कि हमारे पास कोई फोटो आए या तो हमारे पास है कि उसको स्कैन किया फैब्रिक आया, वो फैब्रिक में जो हम अपना कंप्यूटर में देखते हैं वो प्रिंट जो है ना, वो जो पर्टिकुलर कलर से, वो जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है, वो क्या होते हैं कई बार हमारा फैब्रिक में नहीं आता, कई बार क्या मैक्सिमम टाइम जो है ना फैब्रिक में सेम नहीं आता। इट मींस जो एक्चुअल में हमारा कंप्यूटर में दिख रहा है वो पर्टिकुलर कलर कॉम्बिनेशन, वो पर्टिकुलर कलर टोन फैब्रिक में प्रिंट होने के बाद चेंज हो जाते हैं। उसका रीजन कई कई अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं? जब भी कोई भी एक पर्टिकुलर फैब्रिक को या तो पर्टिकुलर कोई भी प्रिंट को हम रेडी करते हैं, चाहे हम फोटो के अकॉर्डिंग करें या तो स्कैन के अकॉर्डिंग, डजंट मैटर, कॉपी वर्क में हम ये चीज करते हैं, अलग अलग टाइप का डिजाइन प्रोसेस में आपको ने बताया था इसके लिए। अब उस पर्टिकुलर प्रिंट को रेडी करने के बाद वो पर्टिकुलर फाइल को, जो भी कलर हम स्कैन किया है या तो हमने अपने एजम्पशन के हिसाब से बनाया है, वो पर्टिकुलर फाइल फैब्रिक में प्रिंट होने के बाद थोड़ा सा चेंज होता है। चेंज होने का रीजन क्या होते हैं? हो सकता है जो पर्टिकुलर फैब्रिक में प्रिंट हो रहा है वो पर्टिकुलर फैब्रिक का वीविंग अलग हो। जैसे जॉर्जेट में जब प्रिंट करेंगे थोड़ा सा डल आएगा, मसलिन में प्रिंट करेंगे थोड़ा सा डल आएगा, जैसे हमारा कंप्यूटर स्क्रीन में जो भी दिखता है कलर्स, ये मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एक्चुअल में ये होता क्यों वो भी आपको मैं शेयर करूंगा। एंड जैसे कि आप अगर मॉडल साटन में प्रिंट करेंगे, आप अगर कोई क्रेप में प्रिंट करेंगे, बेसिकली कोई सिल्क फैब्रिक, सिल्की फैब्रिक में प्रिंट करेंगे, तो एग्जैक्टली जो हमारा प्रिंट में दिखता है उसके नियरेस्ट नियरेस्ट कलर आ जाता है, वो थोड़ा सा डेप्थ कलर में मेंटेन रहते हैं। जो भी पर्टिकुलर फोटोशॉप में दिख रहा है या तो जो भी हमारा पीसी में दिख रहा है वो कलर का डेप्थ मोटा मोटी मेंटेन रहते हैं। एंड जो पर्टिकुलर कलर हम अपना फैब्रिक में देख पा रहे हैं स्कैन के और फैब्रिक के अकॉर्डिंग, वो पर्टिकुलर कलर को हम जब स्कैन कर, जैसे मान लीजिए ये वाला पर्टिकुलर फैब्रिक हमें यहाँ पे देख पा रहे थे, इसमें जो कि मुझे खाली आंखों में जो दिख रहा है वो पर्टिकुलर खाली आंखों में देखने के बाद जैसे हमने स्कैन करते हैं ना, उसका कलर टोन स्लाइटली चेंज होता है। उसका रीजन क्या होते हैं? जब भी हम फैब्रिक को स्कैन करते हैं वो पर्टिकुलर फैब्रिक स्कैन होने के बाद डिपेंड ऑन स्कैनर, वो कलर स्कैनर का जो प्रोफाइल रहता है उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कलर टोन थोड़ा सा चेंज होता है, देन उसके बाद पीसी में ओपन होता है, तो उसमें भी हम सेम कलर को प्रिंट नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई इसको हमें यह समझना पड़ेगा, जब भी हम अपना प्रिंट करते हैं तो हम इसको कलर को प्रॉपरली एडिट करते हैं, चेंज करते हैं, देन उसके बाद प्रिंट देते हैं, ताकि हमारा कलर नियरेस्ट फैब्रिक के अकॉर्डिंग आए या तो नियरेस्ट कोई फोटो के अकॉर्डिंग आए। ओके अब एग्जांपल के साथ जैसे आपको यहां पर दिखा रहा हूं, मान लीजिए जैसे एक पर्टिकुलर हमने दुपट्टा बनाया था, इसका दुपट्टा हमने आई थिंक सो इसके अकॉर्डिंग बनाया था, एंड इसका लहंगा भी हमने बनाया था। मैं आपको जस्ट एनएचएस हमारा कैटलॉग भी नया लॉन्च हुआ था, इसके अकॉर्डिंग हमने सेम कॉपी कर उसका एक सिमिलर कैटलॉग हमारा लॉन्च हुआ था। पॉइंट ऐसे आपको मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ कि जैसे ये वाला पर्टिकुलर डिजाइन हमने डेवलप किया था, अब ये डिजाइनिंग का सेम कॉपी क्या हुआ था, ये इनका दुपट्टा है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑर्गेन्जा फैब्रिक में, ऑर्गेन्जा भी एक फैब्रिक होता है जिसमें कलर का टोन थोड़ा सा डल आते, एंड 99% चांसेस है जब भी ये प्रिंट हुआ है, जैसे जो हमारे जैसा डिजाइनर नहीं मोस्ट ऑफ दिस टाइप का डिजाइनर बनाते तो उन्होंने जब बनाया होगा तो वो ये कलर और ये कलर सेम प्रिंट पे दिया होगा, बट जो कि ये मॉडल साटिन कलर है, जो कि मॉडल साटिन फैब्रिक है, ये मॉडल टाइप का साटिन फैब्रिक दिख रहा है, थोड़ा सा हेवी और हेवी फैब्रिक है, डेप्थ वाला फैब्रिक है, तो इसलिए इसका कलर का टोन जो है ना बहुत ब्राइट होकर दिख रहा है, एंड जो कि ये पतला फैब्रिक है इसलिए इसका कलर का टोन बहुत ही डल दिखता है। तो दैट इज द फर्स्ट साइकोलॉजी। ये चाहे तो आप अपना पेपर एंड पेन में नोट डाउन कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर एंड पेन पर आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज आपको अगर याद नहीं रहा है आपको याद रखने के लिए इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जब भी हम कोई भी पर्टिकुलर प्रिंट को रेडी करते हैं, प्रिंट होते फैब्रिक में, अगर हेवी फैब्रिक होता है उसमें कलर का डेप्थ बहुत अच्छा आता है, अगर वो पर्टिकुलर फैब्रिक में फैब्रिक का जो पतला फैब्रिक होता है वीविंग अगर बहुत पतला होता है, जैसे जॉर्जेट हो गया, एकदम लाइट वेट का मसलिन हो गया, तो उस पर्टिकुलर फैब्रिक में क्या होता है उसका वीविंग बहुत पतला रहता है। एंड जैसे ऑर्गेन्जा हो गया तो उसमें क्या होता है ट्रांसपेरेंट जैसे फैब्रिक होता है, उसमें चिनॉन फैब्रिक हल्का फैब्रिक जो होते हैं, तो उसमें जब भी हम प्रिंट करते हैं ना तो प्रिंट करने के बाद उस पर्टिकुलर फैब्रिक का कलर का टोन बहुत ज्यादा डल होता है, थोड़ा सा डेप्थ कम हो जाते हैं, तो उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि
जो पर्टिकुलर कलर पेपर एक्चुअल में कलर सब्लिमेशन पेपर जब प्रिंट होते हैं या तो जब आप अपना डायरेक्ट डिजिटल में इसमें प्रिंट होता है ना, जो कलर फैब्रिक में प्रिंट हो रहा है तो वो फैब्रिक में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते एंड वो फैब्रिक का थिकनेस कम हो जाने की वजह से उसका डेप्थ नहीं आता। बट जो फैब्रिक में थिकनेस आते जैसे साटिन फैब्रिक आपको मैंने बताया, क्रेप फैब्रिक बताया जो कि जापान साटिन, क्रेप साटिन, मॉडल साटिन, बहुत सारा साटिन का फैब्रिक आते एंड बहुत सारा जो कि गोटा साटिन के अलग अलग फैब्रिक आते हैं, जो फैब्रिक में थोड़ा सा डेप्थ होते हैं उस पर्टिकुलर फैब्रिक का जो कलर टोन है ना वो बहुत अच्छा है। जैसे उसका एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे इसलिए शेयर किया, एकदम देखिए यहाँ पे सिंपल एक एग्जांपल आपको दिख रहा है, एक फोटो के अकॉर्डिंग हमने दिया हुआ है एंड एक फोटो ही है, अब उसमें आपको क्या दिख रहा है, देखिए ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक दिख रहा है एंड ये एक अलग फैब्रिक दिख रहा है, एक्चुअल में कलर एक ही यूज हुआ है बट इसमें फैब्रिक टू फैब्रिक कलर अलग अलग दिखता है एंड दैट्स व्हाई ये चीज मैं आपको यहाँ पे फाइल को दिखाया। अब जैसे हमें भी डिजाइन को बनाना रहेगा तो हमें भी उस तरीके से डिजाइन को रेडी करना पड़ेगा। जैसे ये वाला पर्टिकुलर हमने दुपट्टा बनाया था एंड सॉरी आई थिंक सो ये वाला दुपट्टा है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल लेकर के सिलेक्शन ले, कंट्रोल सी कंट्रोल डब्ल्यू करके मैंने क्लोज कर दिया, अब यहाँ पे कंट्रोल वी किया, ठीक है ना। अब जस्ट मैं एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, देखिए ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेन्जा फैब्रिक में हमें कलर का टोन दिख रहा है तो हमने लेकिन वो टोन नहीं लिया, आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए कभी भी हम ऐसा नहीं करते, लेकिन ना देखिए क्या हमने वही टोन लिया है, नहीं लिया। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जैसा फैब्रिक होता है उसके हिसाब से हमें कलर टोन देना पड़ता है डिपेंड ऑन डिजाइन। जैसे कि वाला पर्टिकुलर अनेबल पर्टिकुलर डिजाइन को हमने पूरा कॉपी बॉक्स से बनाया था, सिमिलर सिमिलर फ्लावर फाइंड आउट करके सिमिलर मोटिव को रेडी करके पूरा हमने बनाया था, बट इजी कंसेप्ट था, इट्स नॉट लाइक वेरी हार्ड थिंग, पहले मोटिव रेडी करना फिर बॉर्डर रेडी करना, ये पूरा डिजाइनिंग को मैंने बताया हुआ था कॉपी वर्क में, विच इज मैंने कई बार दिखा हुआ है, प्रोसेस मैंने आपको शेयर किया हुआ है, कॉपी वर्क का पूरा कोर्स करिकुलम अच्छे से गो थ्रू करेगा, आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगा एंड जैसे आपको मैंने बार बार बताता हुआ जिन जो फ्रेंड्स अभी तक हमारा 90 चैलेंज पार्ट का डिजाइनिंग पार्ट का अभी तक अपग्रेड नहीं कर पाया, आपको हाईली रिकमेंड करूँ, दैट्स रियली रियली पावरफुल कोर्स जिसमें मैंने बहुत सारे डिटेल शेयर किया, इच एंड एवरी टाइप ऑफ डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट, एवरी टेक्निक आपको मैंने शेयर किया जो कि मैं खुद यूज करता हूँ, जो कि शायद आपको इन फ्यूचर अपने आप को अपना पी स्किल को बढ़ाने के लिए अपने ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ओके तो इसमें आपको यहाँ पे वही चीज दिखेगा कि इस पर्टिकुलर प्रिंट को हमने थोड़ा सा ब्राइट रखा था देन उसके बाद उसको प्रिंट को दिया। अब ये भी फाइल एक्चुअली में आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था, उसके बाद भी दो तीन बार करेक्शन हुआ था ऑफिस में, इससे भी थोड़ा सा स्लाइटली ब्राइट प्रिंट दिया था देन उसके बाद इसके जैसा सेम रिजल्ट आया था। तो इट मीन्स जब भी हम फोटो के अकॉर्डिंग डिजाइन बनाते हैं तो हमें फोटो के अकॉर्डिंग डिजाइन बनाने के लिए जो पर्टिकुलर फैब्रिक है वो फैब्रिक को हमें एनालाइज करना होता है एंड देन उसके अकॉर्डिंग जब हम प्रिंट देते हैं तो हमारा उसका रिजल्ट आता है। अब इसमें भी थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ता है, जो आपका एक्सपीरियंस होता है उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप अच्छा रिजल्ट ऑटोमेटिकली ला पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कि हमें पता है कि एक बार दो बार तीन बार हमने ऐसे हजारों बार सेम मशीन में हमने प्रिंट किया। अब मशीन में क्या होते हैं, जैसे मशीन में टोटल चार कलर यूज हुए, साइन, मजेंडा, येलो, ब्लैक, साइन, मजेंडा, येलो, ब्लैक, CMYK। अब CMYK जो कलर यूज हो रहे हैं वो कलर एक्चुअल में हम फोटोशॉप में RGB कलर यूज करते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB, बट उसमें उतना ज्यादा वेरी नहीं करता है, बट पॉइंट ये होता है कि जो कि हम RGB कलर में प्रिंट वहां पे दे रहे हैं एंड वो CMYK कलर में मिक्सिंग करके प्रिंट हो रहे हैं तो अलग अलग मशीन में थोड़ा सा स्लाइटली अलग अलग कलर का टोन होता है। जैसे किसी मशीन में थोड़ा सा रेड डार्क होते हैं, रेड थोड़ा सा येलोइश होते हैं, किसी किसी मशीन में आते हैं किसी पिंकिश थोड़ा सा रेडिश होते हैं, येलोइश होते हैं, येलो जो है ना थोड़ा सा लेमनिश होते हैं या तो ऑरेंजिस होते हैं, या तो आपका देखिए ब्लैक जो है ना जेड ब्लैक नहीं होता, थोड़ा सा ग्रीस टाइप का ब्लैक होता है। तो अलग अलग मशीन में थोड़ा सा अलग अलग प्रॉब्लम, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मैं दो तीन जगह पे अलग अलग पार्ट टाइम करता हूँ तो तीनों जगह का मशीन को मुझे एनालाइज करना है, उसके अकॉर्डिंग मुझे आइडिया है कि एक जगह पे मशीन में जैसे कि थोड़ा सा येलोइश टाइप का प्रिंट होकर निकलता है तो मुझे आइडिया है कि जब भी हम प्रिंट देना हो ना तो थोड़ा सा मैं पर्टिकुलरली जो प्रिंट डिजाइन में होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग 2-3% में येलो कम करके फिर उसमें प्रिंट देता तो मोटामोटी एग्जैक्टली रिजल्ट अच्छा आ जाते हैं। सेम तरीके से जहां पे दूसरी जगह पे मैं जाता हूं वहां पे मशीन टू मशीन वेरी करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं तो उसमें क्या होता है प्रिंट जो है ना थोड़ा सा स्लाइट डार्क आते हैं, स्लाइट डार्क आते हैं मतलब उसमें थोड़ा सा प्रिंट डार्केस्ट टाइप का आता है, जिसने मुझे थोड़ा सा ब्राइट फोटोशॉप में बना के दे प्रिंट में देना पड़ता है, फैब्रिक में प्रिंट देना पड़ता है तो उसमें क्या होता है ऑटोमेटिकली थोड़ा सा डार्क एंड ब्राइट मिक्सिंग होता है, एवरेज आ जाता है, फिर उसके बाद प्रिंट में अच्छा रिजल्ट आते हैं। तो ये आपका एक्सपीरियंस को लिए कि एग्जैक्टली मुझे क्या देना है तो क्या प्रिंट निकल के आएगा, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा एंड ये एनालिसिस का प्रोसेस भी हमने अपने कोर्स में शेयर किया, बट आपको पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है गाइस, तभी आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आप एक चांस में, दो चांस में, तीन चांस में सेम सेम फैब्रिक टू फैब्रिक या तो सेम सेम फोटो टू फोटो कलर को आप इजिली मैच कर पाए।
जो भी हमारा कलर टोन चार्ट दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने कलर का टोन चार्ट लिया। जैसे ये वाला कलर पिंक में भी हो सकते हैं, पिंक का टोन अलग 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 हमने यहाँ पे दिया। अब देन उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे अलग अलग कलर चोट देखे। फर्स्ट ये आपका सेकंड चांस होता है, ये आपका फर्स्ट चांस नहीं होता है। जब भी हमें कोई भी डिजाइन को सेम सेम कलर मैचिंग करना, इसमें आपको कलर मैच हो जाए, आपको कम से कम सेकंड चांस तो लेना ही पड़ता है। सेकंड चांस में हम क्या करते हैं, जो हमारा रिजल्ट आया, जो हमने प्रिंट करने के बाद रिजल्ट आया, तो उस टाइम हम उस पर्टिकुलर प्रिंट को एनालाइज करते हैं और उसमें कौन कौन सा कलर टोन को थोड़ा सा हमें ऐड करना है, कौन सा कलर टोन को थोड़ा सा माइनस करना है, उस तरीके से हम उसको एडिट करके, एडिट करने का प्रोसेस क्या होता है, जैसे हमने मान लीजिए ये वाला पर्टिकुलर प्रिंट दिया, अब प्रिंट देने के बाद जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बहुत सारा मैंने एडिटिंग किया हुआ है, आपको दिखा रहा, देखिए यहाँ पे मुझे लगा था थोड़ा सा इसको ग्रीनिश करना जैसा था, इसको लिए क्या किया था मैंने, प्रिंट होने के बाद फर्स्ट चांस के बाद दूसरे चांस में मैंने को लगा यहाँ पे थोड़ा सा डिडिस डिडिस टोन दिख रहा है प्रिंट में, अच्छा रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है, इसको हमने प्रिंट होने के बाद फर्स्ट सैंपल हुआ, उसके बाद हमने यहाँ पे ग्रीन का एक ओवरलैपिंग किया ताकि एग्जैक्टली वो ग्रीन दिखे। ठीक, तो हमने एक चांस में इसको रेडी किया। दूसरे चांस में हमने क्या करेंगे, जो भी इसका पर्टिकुलर टोन है उस पर्टिकुलर टोन को जितना हो सके हम अपने हिसाब से करेक्शन किया, एग्जैक्टली जिसमें जितना लाइट टोन जरूरत पर, जिसमें हमें डार्क करना हो, जिसमें हमें कलर को टोन चेंज करना हो, हमें किसी में ब्लूज करना हो, किसी में रेडिस करना हो, किसी में ब्राइट करना हो, किसी में डार्क करना हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको प्रॉपरली एडिट करा। एडिट करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से हम एडजस्टमेंट लेयर देते हैं, एडजस्टमेंट लेयर का यूजेस प्रॉपरली आपको अच्छे से आना चाहिए। एंड देन उसको नेक्स्ट स्टेप हमारा रहता है कि इस तरीके से हम पैंटोन यूज करते हैं, पैंटोन देते हैं। पैंटोन में हम क्या करते हैं, वही पर्टिकुलर टोन को यहाँ से लेते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रिंट ऑन प्रिंट करते हैं। अब उसके पहले बैकएंड में जो कि हमारा एक प्रोसेस होता है कि हम इस तरीके से जब भी कोई भी डिजाइन बनाते हैं तो हम पैंटोन के साथ इस तरीके से मैच करवाते हैं। जो ये हमारा फैब्रिक है यहाँ पे दिख रहा हो, ये वाला फैब्रिक है, तो पैंटोन का मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, लेट मी शेयर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से आप देखिएगा एंड जरूरत पड़ता पेपर पेन में नोट डाउन करिएगा, दैट रियली रियली इंपॉर्टेंट गाइस। ओके, यस, यहाँ पे मुझे पैंटोन मिला है, बहुत ही एक्चुअली मैंने बहुत पहले लाया था। इस तरीके से हम एक पैंटोन बनाते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक पैंटोन, हम इस तरीके से जो पैंटोन आपको मैंने यहाँ पे शेयर किया, ये जो पैंटोन आपको मैंने यहाँ पे फोटोशॉप में शेयर किया, ये पैंटोन आई थिंक सो यहाँ पे मैंने कहीं पे शेयर किया हुआ पैंटोन, जिस तरीके से पैंटोन हमारे पास रहते हैं जो कि पैंटोन कंपनी की तरफ से या तो हमें ऑनलाइन से डाउनलोड करने में मिल जाते हैं, तो हम उस पर्टिकुलर पैंटोन को लेने के बाद क्या करते हैं, उसको हम डायरेक्टली फैब्रिक में प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के बाद वो पर्टिकुलर कलर का टोन जो है ना, जहाँ पे बहुत सारा हमें एक एक टोन का, ब्लू का बहुत सारा शेड्स है, ग्रीन का बहुत सारा शेड है, रामा का बहुत सारा शेड है, मेहंदी का बहुत सारा शेड है, येलो, पिंक, रेड, ग्रे, चिकू, क्रीम, पर्पल, बहुत सारा अलग अलग टोन का बहुत सारा शेड्स है। वो शेड्स के अकॉर्डिंग हम इस तरीके से जो भी हमारा प्रिंट है वो प्रिंट डायरेक्टली उसके साथ हम इस तरीके से मैच करके देखते हैं कि इसमें कौन सा कलर जा रहा है, कौन सा कलर जा सकते हैं, देन उसके बाद हम एनालाइज करते हैं कि इसमें बहुत इजी पड़ता है। सेम तरीके से यही टेक्निक यूज करके फोटो के अकॉर्डिंग भी करते हैं, जैसे फोटो कॉपी आपको दिखा रहा था यहाँ पे, फोटो कॉपी में इस तरीके से अलग अलग टाइप का, जैसे इस तरीके से पैंटोन आते, पैंटोन का एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा रहा, इस तरीके से पैंटोन आते। अब पैंटोन में भी दो तीन होते हैं कि फैब्रिक को डिपेंड करते हैं, जैसे देखिए कई बार फैब्रिक चेंज होता है तो उसका कलर का टोन भी चेंज होता है, उसका रिगार्डिंग यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखा हुआ था। तो कई बार इस तरीके से अलग अलग टाइप का फैब्रिक का टोन के हिसाब से पैंटोन का कलर का टोन भी चेंज, इसलिए आपको बता रहा था फैब्रिक के रिगार्डिंग आपको ये चीज़ समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे ये वाला पर्टिकुलर हमने दिखा रहा था एग्जांपल कि फोटो के रिगार्डिंग रेडी करना था, फोटो के रिगार्डिंग रेडी करने के लिए हमने उसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे जो भी हमें कंप्यूटर स्क्रीन में दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग, जो भी मोबाइल में दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग, जो भी कलर का टोन हमें समझ में आए तो हम यहाँ से वो पर्टिकुलर कलर का टोन, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐसे बहुत सारा पैंटोन का कलर का टोन हमने रखा हुआ, तो कोई भी एक पर्टिकुलर कलर का टोन को हम डिसाइड करते कि नहीं ये वाला कलर का टोन शायद एक बहुत अच्छा जा सकते हैं, तो हमने यहाँ पे नोट डाउन किया 523241, ये वाला पर्टिकुलर कलर टोन हम पिक किए एंड देन वो पर्टिकुलर कलर टोन को हम अपने डिजाइन में अप्लाई करने का कोशिश करते हैं। सो दैट इज द एग्जैक्टली पाथवे टू कलर मैच गाइस, फोटो के अकॉर्डिंग हो या तो स्कैन के अकॉर्डिंग हो। गाइस, सो आई होप सो गाइस यहां तक जो आपको मैंने शेयर किया वो आपको क्लियर हुआ होगा, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। आई होप सो यहां तक जो आपको मैंने बता रहा हूं उसको आपको प्रॉपरली क्लियर हो। जस्ट एक बार आप चैट से मुझे बताइए कि अभी तक जो आपको मैंने शेयर किया उसको प्रॉपरली आपको क्लियर है, यहां तक जो आपको मैंने बताया उसका आप अगर कोई भी डाउट्स हो अभी आप पूछ लीजिए, इन फ्यूचर उसको मैं थोड़ा सा और मैं डीप डिगिंग करूंगा। ओके, जस्ट अगर आप चैट से मैं आप बताइएगा ताकि आपको प्रॉपरली क्लियरिटी मिले एंड उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता पाऊं। एंड अगर आपको प्रॉपरली क्लियर है जस्ट एक बार आप चैट सेक्शन में बताएं CL, जस्ट चैट सेक्शन में लिखिए CL जस्ट क्लियर, ताकि मुझे आइडिया लगे कि आप सभी स्टूडेंट प्रॉपरली देख रहे हैं एंड अभी तक जो आपको मैंने बताया स्कैन किया फैब्रिक हो या तो फोटो कैप में जो भी फैब्रिक हो उस पर्टिकुलर प्रिंट को हमें सेम टू सेम कलर को मैच कैसे करना पड़ता है। ओके ओके ओके, थैंक यू फॉर योर कमेंट गाइस, थैंक यू, परफेक्ट।
सो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एंड जो फ्रेंड्स जो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए एंड कमेंट नहीं कर रहे, प्लीज अपने हाथ को थोड़ा सा यूज करिएगा, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आई नो शायद आपका टाइम ऐसा है कि आप रिलैक्स कर करके देख रहे हैं, बट अभी का टाइम ऐसा है कि आपको प्रॉपरली अपना माइंड को अलर्ट रखना है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, कमेंट करिए, बिकॉज कमेंट करने में अपना हाथ माइंड थोड़ा सा अलर्ट होता है। ओके, थैंक यू ओके ओके। सो ये फर्स्ट स्टेप था हमारा कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइन को हमें एनालाइज करना होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें पैंटोन मैच करना होता है, एंड पैंटोन मैच के हमें पर्टिकुलर फैब्रिक को प्रिंट करना होता है। अब प्रिंट करने के बाद जो रिजल्ट आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम जजमेंट लेते हैं कि हमने एक बार पर्टिकुलर फैब्रिक में प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद हमने जो कलर एनालिसिस करने का जरूरत था कि हमने फोटो के अकॉर्डिंग देखा कि ये वाला पर्टिकुलर टोन यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है, पैंटोन के साथ मैच हो रहा है, तो पैंटोन के रिगार्डिंग हमने वहाँ पे कलर का टोन लिया, देन उसके बाद हमने वहाँ पे पैच कर दिया, एंड देन उसके बाद हमने प्रॉपरली उसको अप्लाई कर दिया अपना डिजाइन में, देन उसके बाद हमने उसको प्रिंट किया। तो क्या हुआ, ऑलमोस्ट हमारे पास नियरेस्ट कलर प्रिंट होने में आते हैं फर्स्ट चांस में, एंड दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज, जो कि ये फर्स्ट चांस अगर आपका क्रैक अप कर लेंगे, फर्स्ट चांस अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि फर्स्ट चांस में आप कैसे एकदम नियरेस्ट कलर को लेकर आ पाएंगे, तो हमारा नेक्स्ट चांस में बहुत नजदीक का या तो सेम सेम कलर मैच करने का बहुत ईजी ऑप्शन होता है, जो कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आज के टाइम में। आप ट्रस्ट में, जैसा आपको पहले ही बता रहा था, एक कहानी सुना रहा था, एक हमारा कहानी नहीं एक रियल स्टोरी है, एंड इट्स है ही हमारा डिजाइनिंग फील्ड में, जो डिजाइनर एक अच्छा लेवल में है उनको अच्छे से अच्छा कलर मैच करना चाहिए, एंड जो अच्छे से कलर मैच करके सेम कलर मैचिंग का प्रोसेस समझते हैं वो इजीली एक अच्छा सैलरी लेके कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं, बिकॉज एक हाई डिमांड टॉपिक है, बिकॉज ये सेम कॉपी डिजाइनर बहुत ज्यादा काम आते हैं। एंड सेम तरीके से जब आप कॉपी वर्क करते हैं फोटो के अकॉर्डिंग, उस टाइम भी फोटो के अकॉर्डिंग सेम सेम कलर मैच करना, पैंटोन को प्रॉपर यूज करना, फैब्रिक टू फैब्रिक को एनालाइज करना, उसके अकॉर्डिंग कलर का यूज करना, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट चीज, आपको ऑब्वियसली प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के साथ आएगा, बट आपको ये चीज मैं इनिशियल लेवल में आइडिया दे रहा हूँ कि आपको इस तरीके से प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करना रहेगा। नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं जब हम उसके अकॉर्डिंग पैंटोन को मैच करते हैं, जैसे आपको यहाँ पर ने बताया पैंटोन को मैच करते हैं, पैंटोन को मैच करने के बाद उसके अकॉर्डिंग कलर का टोन फिर से हम चेंज करते हैं। जैसे इसमें हमने स्कैन किया फैब्रिक है, स्कैन किया फैब्रिक है, तो हमने यहाँ पे जो भी स्कैन किया हुआ एनएचएस में आपको लाइव अपना पूरा क्लास में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है 20-30 मिनट का ट्यूटोरियल से अच्छे से आप देखिएगा। अभी तो आपको लाइव सेशन में हर एक टॉपिक को मैं टच नहीं कर पा रहा हूँ, बट फिर भी मैं आपको जस्ट हर एक पॉइंट को मैं आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कोर्स करिकुलम को अच्छे से गो थ्रू करेगा तो आपको और भी प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। तो हम यहाँ पे एडिट करते हैं, एडिट करने के बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट ले लेते हैं, एडजस्टमेंट ले करके जहाँ जहाँ पे कलर का टोन थोड़ा सा अप लग रहा है, डाउन लग रहा है, कलर का टोन चेंज करना है, किसी में ब्लूज बढ़ाना है, किसी में ग्रीनज बढ़ाना है, वो हम यहाँ से एडिट करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा एक कलर टोन, तो मुझे लग रहा था प्रिंट होने के बाद, जो कि आपको प्रैक्टिकल इसको दिखाया था करके आपको मैं बार बार, ठीक है ना, मुझे लग रहा था ये वाला पर्टिकुलर टोन में जो है ना थोड़ा सा कलर टोन चेंज किया। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला कलर टोन थोड़ा सा ब्लूइश दिख रहा था, तो हमने प्रिंट करने के बाद यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा क्रिमिस किया, थोड़ा सा ब्लूइश बढ़ाया, तो इस तरीके से हमने कलर का टोन चेंज किया। तो इसमें क्या हुआ, जो शायद हो सकता है कोई पर्टिकुलर टोन में कलर का टोन सेम से मैच नहीं हो रहा, तो उसका हम उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन लेते हैं, सिलेक्शन ले उस पर्टिकुलर कलर का टोन चेंज कर देते हैं। सेम तरीके से जैसे हमने फोटो के अकॉर्डिंग कोई भी डिजाइन को बनाया, इस लहंगे के अकॉर्डिंग जैसे आपको एग्जांपल दिखा रहा था कि एक रेड कलर हो या तो ग्रीन कलर हो या तो लेमन कलर हो या तो कोई भी कलर, प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद थोड़ा सा हमें लगेगा स्लाइटली इसको अप करेंगे, स्लाइटली डार्क करेंगे, स्लाइटली कलर का टोन चेंज करें। जैसे इसमें हो सकता है थोड़ा सा स्लाइटली हमें मान लेते हैं स्लाइटली हमें कलर का टोन चेंज करना पड़े, क्योंकि सैचुरेशन में हम जाते एंड हम यहाँ पे जैसे ग्रीन एंड येलो कलर है तो हम यहाँ पे येलो में जाएंगे, एंड हमें लग रहा है थोड़ा सा येलो ऐड करना रहेगा, तो हम यहाँ पे येलो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल प्रोसेस आपको ध्यान रखना है, रैंडमली इसको यूज नहीं करना है, ध्यान रखना है येलो कलर हमारा यहाँ पे है तो हम इसको लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली येलो ऐड होगा, करेक्ट, येलो कलर हमारा यहाँ पे ग्रीन के बाद येलो, तो ये ग्रीन स्टोन था, लेफ्ट साइड लेके जाएंगे ऑटोमेटिकली येलो ऐड होगा, एंड थोड़ा सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा लाइटनेस बढ़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ एडिट में, हमने इस तरीके से हम मॉडिफाई करके कलर का टोन को एडिट करते हैं, उसके बाद हम सेम सेम कलर मैच करने का कोशिश करते हैं फोटो के अकॉर्डिंग हो या तो स्कैन के अकॉर्डिंग हो। तो दैट इज द बेसिक स्टेप, एंड उसके अकॉर्डिंग ये सेकंड स्टेप में हम करते हैं कि फर्स्ट स्टेप में हमने पहले ही फैब्रिक को एनालाइज किया, पहले ही हमने कलर का टोन पिया, पहले ही हमने पैंटोन मिलाया, देन उसके बाद प्रिंट किया। सेकंड स्टेप में हमने इसको मॉडिफाई किया, एडिट किया, चेंज किया, जहाँ पे कलर का टोन जरूरत पड़ा, जिस तरीके से जरूरत पड़ा वो हमने चेंज किया। अब आ जाते सेकंड स्टेप भी हमारा अगर फेल हो जाता है, कई बार ऐसे होते कि प्रॉपरली हमने काम किया, सेकंड स्टेज भी हमने बनाया, उसके बावजूद लग रहा है थोड़ा सा और हमें कलर एक्यूरेसी चाहिए और थोड़ा सा परफेक्शन करना पड़ा, उस टाइम थोड़ा सा और डीपर लेवल में जाके थोड़ा सा और स्पेशल एडिट करते हैं, उसका हम क्या टेक्निक आपको वहां पे शेयर करूँ, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट वाला भी इंपॉर्टेंट आपको टेक्निक शेयर करना चाहूंगा। हम एनएचएस आपको स्कैन डिजाइनिंग में सबसे ज्यादा समझ में आएगा, इसके लिए स्कैन डिजाइनिंग का पहले एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। हम क्या करते हैं,
प्रोफाइल चेंज करते हैं। प्रोफाइल चेंज मतलब कि जो प्रोफाइल में हम बाय डिफॉल्ट काम करते हैं, फोटोशॉप में एक बाय डिफॉल्ट प्रोफाइल है जो कि आपको यहाँ पे दिखा, तो एडिट में जाते हैं, असाइन प्रोफाइल का एक ऑप्शन आता है, असाइन प्रोफाइल में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा बाय डिफॉल्ट जो प्रोफाइल आता है ना, sRGB प्रोफाइल, जो कि हम फोटोशॉप में बाय डिफॉल्ट करते हैं। बट कई बार ऐसे होते कि हमें सेम कलर मैचिंग वो सेम प्रोफाइल में नहीं आता, थोड़ा सा हमें और ज्यादा ब्राइट करना पड़े, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप में बहुत सारा प्रोफाइल दिया जाता है। यानी ये चीज आपका फोटोशॉप का वर्जन टू वर्जन शायद थोड़ा सा अलग अलग दिखे, बट आपको ध्यान रखना है बहुत सारा अलग अलग प्रोफाइल आते हैं। हम इसको प्रोफाइल को या दो तीन प्रोफाइल तो कॉमन होते हैं, वो प्रोफाइल आपको मैं दिखाता हूँ। एक होता है फोटो प्रो प्रोफाइल, एक होता है 1998 प्रोफाइल, Adobe 1998 प्रोफाइल। अब इसमें होता क्या है दिखा देता हूँ क्या होता है। अब देखिए ये प्रिंट है, अब ये प्रिंट होने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको हमने प्रोफाइल चेंज किया, वो दिख रहा है यहाँ पे स्लाइटली चेंज हो रहा है। आपको यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गौर से यहाँ पे डिस्प्ले को फोकस करिएगा, यहाँ पे मैं प्रोफाइल को प्रीव्यू को बंद कर रहा हूँ। तो ये हमारा sRGB प्रोफाइल था जो कि वर्किंग ऑन sRGB प्रोफाइल आपको यहाँ पे दिख रहा है, वर्किंग ऑन sRGB प्रोफाइल। अब नेक्स्ट आया था प्रोफाइल जो कि हम दूसरा चेंज कर रहे हैं 1998 प्रोफाइल, थोड़ा सा ब्राइट हुआ। तो कई बार ऐसे होते कि जब हम पर्टिकुलर डिजाइन को प्रिंट कर रहे हैं एंड हमारा फोटोशॉप का थ्रेशोल्ड जो होता है ना, फोटोशॉप का थ्रेशोल्ड क्रॉस हो चुका है, मतलब हम उससे ज्यादा ब्राइट पॉसिबिलिटी नहीं है फोटोशॉप में, या तो उससे ज्यादा हम एडिट कर नहीं पा रहे। कई बार ऐसे होते कि हमारा जैसे येलो कलर हो, लेमन कलर हो, जो कि खास करके डस्टी डार्क कलर में ज्यादा, डस्टी पेस्टल कलर में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, खास करके ब्राइट कलर में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो उसको हमने एडिट किया, चेंज किया, बट फिर भी जो कि थोड़ा सा वो ब्राइटनेस नहीं आ रहा है। हो सकता है ब्राइट कलर या तो थोड़ा सा एकदम लाइट रेंज का कलर होता है, क्रीमी टाइप का कलर, या तो एकदम ब्राइट लाइट कलर होता है, जैसे लाइट क्रीम, लाइट पिंक, लाइट पर्पल, लाइट पीच, इस तरीके का जो कलर होता है ना, वो कई बार मिलते नहीं है। तो हम उस टाइम क्या करते हैं, अपना फोटोशॉप का प्रोफाइल को चेंज करते हैं, जो कि थोड़ा सा ब्राइटर प्रोफाइल हो, तो प्रिंट होने के बाद ऑटोमेटिकली ब्राइट रिजल्ट आएगा, एंड इवन और हमें यहाँ पे फोटोशॉप में दिख भी जाते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि कलर को जब हम एडिट करते हैं ना, उसमें भी कई बार हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, प्रॉपरली रिजल्ट नहीं आता। उसका भी मैं आपको सिंपल यहाँ पे दो एक टेक्निक दिया है, जो कि हमारा कोर्स करके ऑलरेडी है, ये चीज आपको मैंने शेयर किया, बट फिर भी यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि कैसे करना होता है। कंट्रोल सी कॉपी किया हमने, ये वाला पर्टिकुलर यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि हमने इस तरीके से एक पर्टिकुलर सैंपल हमें मिला, अब उसके अकॉर्डिंग हमें डिजाइन में सेम कलर को मैच करना। सिंपल क्या करेंगे हम, फर्स्ट थिंग जो हमें दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। जैसे आप एग्जांपल हिसाब से मैं कर रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट यहाँ पे हमें करना है, जस्ट आपको एग्जांपल के हिसाब से यहाँ पे कर रहा हूँ। एंड सिंपली ये वाला पर्टिकुलर जस्ट आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग अच्छे से सीख लीजिए, बहुत ज्यादा काम आएगा। तो हम यहाँ पे एक ह्यूज सैचुरेशन का ले लेते हैं, हम फिर से एक बार आप यहाँ पे जाते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे एक बार क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे दिखता है जो भी कलर टोन हमारे पास यहाँ पे आते हैं, हम ह्यूज सैचुरेशन में फिर से कलर पिकर टोन में जाएंगे, फिर से ह्यू दिख रहा है हमारा 75% एंड यहाँ पे हमें दिख रहा है 189 माइनस 88 तो 101 पॉइंट का हमें चेंज करना रहेगा। तो हम यहाँ पे फर्स्ट टास्क कर लेते हैं, ह्यू सैचुरेशन में जाते हैं, ह्यू सैचुरेशन में जाते हैं, 88 पॉइंट का चेंज करते हैं, ठीक है ना। अब 88 कैसे करना है, कौन से तरफ लेके जाना है, 88 पॉइंट माइनस लेके जाना है, बिकॉज हमने एक पॉइंट को ज्यादा देखे, एक पॉइंट को कम देखा था, तो माइनस लेके आया, देखिए ग्रीन का करीब आ गया, तो जो हमारा साइन कलर था वो ग्रीन तो हो गया। दूसरा कैसे करना रहेगा, फिर से हम जाएंगे ये वाला पर्टिकुलर टोन को लेंगे एंड फिर से हम यहाँ पे ये वाला पर्टिकुलर टोन को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सैचुरेशन 21% है, सैचुरेशन 77 दिख रहा है, तो हमें यहाँ पे सैचुरेशन बहुत ज्यादा है, सैचुरेशन को कम करना है, ठीक है। सैचुरेशन ज्यादा है, देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं 77%, सैचुरेशन को कम करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 77 आ जाए, 77 मतलब 77, यहाँ पे 22 मतलब 55 का कम करना पड़ेगा, है ना। तो इसको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा, सैचुरेशन हम माइनस 55 कर देते हैं, गेट इट। दूसरा हम यहाँ पे करते हैं और एक टोन, सैचुरेशन हो गया हमारा, अभी ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस देखिए आपको 59 दिख रहा है, 59 एंड यहाँ पे हम देते हैं कितना है 78, मतलब ब्राइटनेस थोड़ा सा हमें कम करना पड़ेगा। 78 है, 78 से 59 का कितना होता है, ऑलमोस्ट 78 से 58 मतलब 20 पॉइंट का। तो हम यहाँ पे जाते ब्राइटनेस को कम कर दिया। अब देखिए, अब ये चीज भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारा डिजाइनिंग फील्ड में जब हम काम करते हैं, कि सिंपल कोई भी कलर का टोन को जब हम चेंज करना होता है तो हम इस तरीके से बहुत इजीली इसका चेंज कर सकते हैं।
एग्जैक्टली जो वाला पर्टिकुलर टोन है उसके अकॉर्डिंग हमारा कलर टोन आ गया। एंड ह्यू एंड सैचुरेशन का जो पॉइंट है उस पॉइंट को नोट डाउन करते गया हमारा, एंड वो पॉइंट हमें बता दिया कि कितना पॉइंट हमें कहाँ पे चेंज करना रहेगा। ये सेम थिंग हम अपना कलर को मैच करने के टाइम भी कई बार इसको करते हैं, दैट्स रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट जब हम डिजाइनिंग फिल्म में ये चीज काम करते हैं। ये सारा जो पॉइंटर है, ये सारा जो टेक्निक है, जरा टूल्स है, वो हमें डिजाइनिंग फिल्म में कलर को मैच करने के लिए सेम नोट डाउन करने के लिए ईच एंड एवरी थिंग बहुत ज्यादा काम आते हैं। अब इस पर्टिकुलर सेशन में मैं यहाँ तक ही आपको बताता हूँ, बिकॉज आई होप सो इस पर्टिकुलर सेशन में बहुत सारा चीज़ आपको एक साथ दे दिया। आई डोंट नो आप में से कौन कौन स्टूडेंट्स को प्रॉपरली नोट डाउन कर रहे हैं, अदरवाइज हर चीज़ आपको याद नहीं रहेगा, फिर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ तक ही मैं आपको यहाँ तक रख रहा हूँ। यहाँ तक जो आपको उन्होंने बताया कलर को चेंज करने के लिए, कलर को मैच करने के लिए, कहीं भी आपका डाउट्स अभी भी तो आप जस्ट यहाँ पे आप चैट सेशन में मुझे बताएं, तो आप मैं आपको क्लियर कर दूँ। एंड इस पर्टिकुलर सेशन को डेफिनेटली आप रिवाइज करके देखिएगा तो आपको प्रॉपरली क्लियर मिले, जो आपको एक बार में समझ में आए दो तीन बार आप देखिएगा। एंड इवन जो हमारा पर्टिकुलर 90 चैनल्स का पार्ट है, तो ऑलरेडी जो डिजाइनिंग फिल्म कर आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए 90 चैनल में जो हमारा कोर्स करिकुलम है कलर मैचिंग का, सेम कलर मैच करने के लिए स्कैन कॉपी में फोटो कॉपी में उसको आप अच्छे से देखिएगा, बहुत बेनिफिटेड होगा, बहुत अच्छे से और आपको डिटेल में समझ में, बिकॉज उसमें हमने और भी स्टेप बाय स्टेप तोड़ के पार्ट बाय पार्ट बताया, तो उसमें आपको और क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पे तो आपको मैंने एक क्लास में सारा चीज बताया, उसमें आपको एक क्लास में एक चीज, दूसरे क्लास में दूसरा चीज, तीसरे क्लास में तीसरा चीज, इस तरीके से बताया हुआ है। ओके, सो आई होप सो गाइस इस पर्टिकुलर पूरा सेशन से आपको ये क्लियरिटी मिला होगा कि प्रॉपरली तीन स्टेज के अकॉर्डिंग कोई भी पर्टिकुलर डिजाइन को कलर को मैच कैसे करना है। दैट्स अ रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस गाइस। इस प्रोसेस को आपको जितना अच्छे से आप नर्चर करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इसका डीप में जाएंगे, उतना आपका कलर मैच सेम टू सेम कलर मैच बहुत ही फास्ट ट्रैक में होगा। जैसे आपको ऑलवेज बताता हूं गाइस, हमारा जो कोर्स करिकुलम बनाया गया, जो हमारा कम्युनिटी का मेंबरशिप है, वो आप सभी दोस्तों के लिए जो ऑलरेडी डिजाइनिंग फील्ड में जॉब कर रहे हैं या तो बिगिनर्स है, अगर आप अपना ग्रोथ को फास्ट ट्रैक में लेके जाना चाहते हैं, बेसिकली डिजाइनिंग फील्ड में मैंने अपना एक्सपीरियंस क्या मैं आपको बता रहा हूँ, 5 से 6 साल मैंने डिजाइनिंग फील्ड में सिर्फ 50,000 के सैलरी को क्रॉस करने के लिए लगा दिया था। उसका रीजन क्यों था, क्योंकि जो डिजाइनिंग का जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि एक हाई पेड सैलरी के लिए जरूरत है, वो उतना ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं था या तो कोई सिखाने वाला नहीं था गाइस। बट जो कि मैं आप लोगों के लिए एक प्रॉपर कम्युनिटी बना, एक प्रॉपर ट्रेनिंग का पर्पस मैं आपको शेयर किया, एंड बहुत ही नॉमिनल प्राइस में अपना कोर्स करिकुलम एंड फ्री वर्कशॉप आपके लिए करता हूँ ईच एंड एवरी संडे। एंड इन फ्यूचर सोच रहा हूँ मैं डेली बेसिस में आपको वर्कशॉप दूँ, तो इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में ज्वाइन करके समझने की कोशिश करें, साथ साथ में अपना कोर्स करिकुलम आप ज्वाइन करके अपना ग्रोथ को फास्ट ट्रैक में लेके जा सकते हैं। बिकॉज इस पूरा जर्नी में जितना आप फास्ट ग्रो करेंगे उतना आपके लिए ही हेल्पफुल होगा, आपके लिए पर्टिकुलर डिजाइनिंग फील्ड में आगे बढ़ने के लिए इजी होगा। बिकॉज जो कोर्स करिकुलम का अमाउंट है वो टेक्निकली सिर्फ आपको 1 month का सैलरी रिकवरी करके दे सकते हैं गाइस, दैट्स द इंपॉर्टेंट, एंड वो भी उससे भी कम शायद। जस्ट आपको इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ गाइस, बिकॉज मुझे अगर इस पर्टिकुलर डिजाइनिंग फील्ड में शुरुआत में मिलने में कोई ऐसा बेनिफिट मिलता, डेफिनेटली मैं अपॉर्चुनिटी ओपन करता। जस्ट आपको नीचे दिया गया लिंक है जिसमें आपको हमारा फ्री लाइव वर्कशॉप का ऑप्शन मिलेगा, आप जाकर रजिस्टर्ड करिए, नेक्स्ट लाइव सेशन अटेंड करिए, साथ साथ में हमारा कोर्स करिकुलम जानिए कैसे हम लाइव सेशन में स्टूडेंट को ट्रेन करते हैं, क्या क्या टेक्निक होते हैं डिजाइनर का आगे बढ़ने के लिए, ईच एंड एवरी स्टेप बताते हैं, जो आप अगर रियली में अपना ग्रोथ को फास्ट ट्रैक में लेके जाना चाहते हैं, आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू। एंड इफ यू थिंक दैट कि नहीं मेरे पास बहुत टाइम है, मैं बहुत टाइम तक कर सकता हूँ, तो कोई बात नहीं, हमारा यूट्यूब चैनल से जुड़ा रही, ये फ्री क्लास ऑलवेज चलेगा, ये यूट्यूब चैनल ऑलवेज रहेगा आप सभी का सपोर्ट करने के लिए। बट जैसा आपको बताया, अगर आप फास्ट ट्रैक ग्रोथ चाहेंगे तो डेफिनेटली हमारा कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं, डायरेक्टली मेरे साथ टच में आ सकते हैं, आपको मैं और भी हेल्प करके और भी फास्ट ट्रैक में ग्रो करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर ट्यूटोरियल्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड बी क्रिएटिव गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।